सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, रात को सोने के पहले और सुबह उठने के बाद मेरे को एक काम तो पक्का करना पड़ता है कि अपना बिस्तर उठाना पड़ता है, क्योंकि भाई यहाँ पे काम चलता है ना। तभी मैं बोलता हूँ कि मेरा बेड जल्दी जल्दी लग जाए, मेरा बेड जल्दी जल्दी लग जाए और मैं आराम से सोया रहूँ भाई, कुछ ना उठाना पड़े यार। इसको भी घुमाना जाना है, चलो इसको। सो गाइस, जहाँ पे मैं सामान रखता हूँ ना, सबसे पहले वो स्टोर देखो भाई, देख रहे हो, कहीं स्पेस नहीं है। यहाँ पे कपड़े और सामान से ज़्यादा डस्ट है। ये देखो, कुछ भी लिख दो अपना नाम, दिख नहीं रही इस पर, बट यहाँ पे बहुत डस्ट है, घर में हो ही जाती है। सो चलो शीरो को घुमाने चलते हैं भाई, मेरे को टिकने नहीं दे रहा वो, भौंकी जा रहा है। चल। भाई शीरो को घुमाने आ चुका मैं, और सुबह भाई इतनी ज़्यादा तेज धूप है ना, देख सकते हो भाई सामने से आ रही है बिल्कुल फेस पे। सो ये देखो मेरे गांव का वैसे व्यू चेक करो एक बार, कितनी ज़्यादा शांत और सुंदर जगह है ना, बिल्कुल बीच में है। यहाँ से मेरा घर सिर्फ 150 मीटर होगा, 100-150 मीटर, बाकी देखो खेत स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। ये पानी वाली टंकी है हमारे गाँव की, इस पर भी चढ़ना है भाई। इस पर चढ़ने से ना बहुत अच्छा व्यू आता है, ऊपर से कभी दिखाऊँगा, पूरा खेत ऐसे लगते हैं जैसे भाई घास लगाई हुई है पूरे 10-20 किलोमीटर में, ऐसे लगता है भाई, जहाँ तक दिखता है वहाँ तक घास ही लगती है। आजा शिरो। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करने, अपना पहले रामन ले लिया मैंने, रामन का एक पैकेट लिया और उसको डालूंगा इसमें, और आज मैं इसमें मिलाऊंगा एक स्पेशल चीज, मेरी फेवरेट सब्जी है जो कि बहुत सालों बाद खाने लगा हूँ, वाइट चने मिक्स करके बनाऊंगा इसको। पानी डालना भूल गए भाई, बर्तन की आवाज ही बहुत है, टूट जा भाई। ये देखो भाई, पीछे बर्तन की आवाज बहुत आ रही है, मेरी मम्मी उसको शांत भी नहीं कर रही, वरना मेरे सर में भाई गिलास मारी है अगर मैंने बोला। सो ये सब्जी बनी हुई थी वाइट चने की, इसमें डालते हैं हम मैगी में इसको, बहुत है भाई। अभी टेस्ट देखना आप जो आएगा ना, रुको बस बनने दो इस बार। सो गाइज, अपना सामान, अपनी मैगी विद वाइट चना, मैगी नहीं है ये रामेन है भाई, रामेन विद वाइट चना रेडी होने जा रहा है, और रेडी होने के बाद एक स्पेशल चीज डालूंगा, वो बाद में दिखाऊंगा। सो गाइज, रेडी हो चुका है अपना फेवरेट, जो पहली बार ट्राई करूंगा आज भाई, और इसमें जो स्पेशल चीज डालनी थी वो थी भाई बटर, ऐसे डालो इसमें बटर, चुको। ओ माय गॉड, देखने में कितनी स्वाद लग रही है ना, अभी चने चपाती के साथ खाऊंगा इसको मैं। चलो गाइज, अपनी सीट पे विराजमान हो चुके हैं भाई, और ये देखो मेरा खाना भाई, घर की हालात आई मीन डस्ट इतनी है ना बाहर, इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ। देखो चूल्हे के पास अंदर किचन में, किचन की भी हालत खराब हो चुकी है हमारी, चूल्हा जला जला के, और घर में मैं बोल रहा हूँ काम जितना मर्जी जैसा मर्जी डस्ट हो, बट खाना मेरा बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए भाई, खाना अभी टेस्ट देखते हैं इसमें कैसा है। Let's go. तो मजा आ गया कसम से भाई, oh my god. So guys, मैं ऊपर आता हूँ सिर्फ दो काम के लिए, या तो बर्तन उठाने आता हूँ क्योंकि नीचे हमारे भाई काफी बंदे लगे हुए हैं, जैसे कारपेंटर वगैरह या मिस्त्री या टाइल वाले, वो उनको खाना देना हो तो बर्तन कम बढ़ जाते तब, या तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह एप्पल खाने आता हूँ भाई, बाकी मैं इनको बड़ा मिस कर रहा हूँ भाई, इन्होंने सुखा दिए मेरे सारे भाई, गमले थे ना जो फूलों के सारे सुखा दिए भाई इन्होंने मेरे, देखो घास भी उग चुकी है भाई, ओ हो, पानी नहीं डालते इधर भी है थोड़े, ये देखो ये भी सूख गया भाई। ओ हेलो, पानी पा दे करो इन्हें, चल सुख के सारे हो, कुछ नहीं करते भाई, पानी नहीं डालते नहीं। चलो भाई, अभी चलते हैं नीचे भाई, नीचे काम देखते कितना हो चुका है, सुबह से मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाया नहीं मैंने, यहाँ से उतरे और यहाँ से घुसे। हाँ जी भैया। सो गाइज, अभी दिखाता हूँ काम कितना हो चुका है भाई हमारे घर पे, ये देखो। ओ माय गॉड, क्या था मेरे रूम में तो भाई,
कपबोर्ड बन चुका है और ये साइड में भाई बक्से वगैरह है जिसपे ओपनली सामान रख सकते हैं। शो नहीं होता ऐसे शोपीस कुछ ऐसा, यहाँ पे भी बक्सा लगेगा जो कि बना पड़ा है वो ऊपर इसके आएगा एक। एंड इसके बाद भाई इस वाले रूम में टाइल कंप्लीट हो चुकी है, ये देखो पूरे रूम में टाइल लग चुकी है और कल यहाँ पे भी कपबोर्ड फिक्स हो जाएगा हमारे भाई से, जैसे मेरे रूम में ना आई मीन बन नहीं जाएगा, फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। सामान उसका काटा हुआ है भैया, बोल रहे हैं कल फिक्स कर देंगे। अरे किचन तो आज बिल्कुल खाली कर दिया भैया ने क्योंकि समय कल गा रहे हैं उस पर। ये लो किचन के भाई कल खिड़कियाँ दरवाजे जो आपको दिख रहे थे वो अभी नहीं है, सारे खाली हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे है वो सरमाइका लग रहा है उस पर कम्प्लीट होने के लिए। सो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ नहाने क्योंकि नहा धो के मैंने जिम भी जाना है भाई, आज नहा के निकलते हैं फिर सीधा जिम को। हेलो हीरो, चलो गाइस नहा लेते हैं। गाइस आज काफ़ी टाइम बाद बुलेट चलाया है ना, दो दिन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो भाई मैंने अपने बड़े भाई को बताया कि भाई बुलेट नहीं स्टार्ट हुआ, उसने आज कर दिया भाई क्योंकि उसको थोड़ा बहुत भाई टेक्नीशियन में इंटरेस्ट है तो उसको थोड़ा बहुत यूट्यूब पर देखता रहता है। वैसे तो वो इलेक्ट्रॉनिक में भाई किया हुआ है उसने, बट उसने स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब पे देखता रहता था तो उसने स्टार्ट कर दिया बुलेट। बट आज मज़ा आ रहा है, आवाज़ सुनो इसकी आवाज़। सो गाइस जिम कंप्लीट हो चुकी है भाई, आज लेग्स की बहुत ही गंदे तरीके से आज जिम हुई भाई, गंदे तरीके से आई मीन जैसे कि टूट गया भाई बिल्कुल आज। हो लेग्स बहुत अच्छी की मतलब आज। सो अभी चलते हैं सीधा घर अपने। सो गाइस घर पहुंच चुका हूँ और खाना पीना खा लिया सारा, जैसे आज मैंने काम दिखा दिया था आपको, आज ऐसे लग रहा है कि आज बहुत पीछे है भाई घर का काम, बट नहीं आज मुश्किल काम था। ये देखो सरमाइका लगाया भाई यहाँ पे इसके ऊपर, देखो ये देखो सारी पट्टियाँ लगा दी है, कल इस पर खिड़कियाँ लग जाएंगी और अपने रूम की तो टाइल लगी जो की थी और मेरे रूम में ही हुआ है आज, देखो कितना सुंदर लग रहा है। मेन तो काम मेरे रूम में हुआ है जो कि आपको दिख रहा होगा पीछे, ये देखो देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है भाई, पूरा कपबोर्ड देखो अभी रेडी हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है ना, बॉक्स आ चुके हैं भाई ऊपर से, वहाँ से बंद हो जाएगा, बड़ा सुंदर लग रहा है। सो चलो भाई जरूरी भाई मैं बहुत थक चुका हूँ आज, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि हमारे घर में ना हर रोज़ ही थक जाता हूँ भाई क्योंकि काम चल रहा है, रेस्ट करने को जगह होती नहीं है भाई, उधर जाओ उधर डस्ट, इधर जाओ इधर डस्ट भाई। सब बिस्तर लगा लिया अपना, अभी आराम से सोता हूँ और आज का ब्लॉग यहीं करता हूँ ख़त्म। अभी मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, खुश रहो बाद रहो आजाद रहो, बाय बाय। सो है गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक, इसकी